दोस्तों आज करते हैं सीधी बात विदाउट एनी बकवास, क्योंकि देखो मोटोरोला का जो G54 है ना, बहुत सारे लोगों ने इस फोन को लिया एंड ऑफकोर्स ये बजट फोन है, बट इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो, प्लान कर रहे हो आप मोटोरोला का डिवाइस, ये वाली वीडियो थोड़ा एंड तक देखना, क्योंकि एक यूनिक इश्यू जो नजर आया है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, अब बोलोगे कि भाई यहाँ पे दिक्कत क्या है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कैमरा मॉड्यूल के ऊपर ना हल्का हल्का जो है ना फेंट पेंट हो जा रहा है, यानी ऊपर का जो पेंट है ना वो पील ऑफ हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा कैमरा का एक्सपीरियंस ही बेकार हो जा रहा है। जो इसका जो लेंस कवर है ना उसके ऊपर जो कोटिंग है ना, बेसिकली जो ना प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग डाला जाता है, आप जितने भी फोन यूज करते हो सभी पे कोटिंग मिलता है। बट हाँ, मेजरली ट्विटर पे एक यूजर ने शेयर करके कहा मोटो G54 का लास्ट 3 मंथ इनको हुआ एंड इसका कैमरा ब्लर होने चुका है, बट इनके बारे में जब इन्होंने टेस्ट करा तो देखा यहाँ पे जो लेंस कोटिंग है वो पील ऑफ हो चुका है एंड इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट ही नहीं आया। अगर इस कमेंट को हम एक्सपैंड करते हैं, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो ना मोटोरोला की तरफ से जो ना कुछ भी इश्यूज, मतलब इसको फिक्स करने का कोई भी चीजें वगैरह नहीं बताया जा रहा है। बट हाँ, एक लिंक उन्होंने शेयर किया है कि सर्विस सेंटर में जाकर के आप दिखा सकते हो, बाकी इसके अलावा और कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर आप मोटोरोला का डिवाइस खरीद रहे हो, स्पेशली G54 के साथ में जो इश्यू हो रहा है, तो आपको ये वाला इशू आपके फोन में भी देखने को मिल सकता है। वैसे यूजर ने कहा है कि वे उनके और भी दोस्तों के फोन में भी देखने को मिला है। तो अगर इस वीडियो को कोई ओनर यूज कर रहा है जो कि मोटो G54 है, आपके फोन में या फिर मोटोरोला के और भी फोन में अगर जो कैमरा लेंस का जो ना स्क्रीन पील ऑफ हो रहा है, तो लेट अस नो इन दी कमेंट गाइस। एंड बाकी गाइस, इसको डेफिनेटली गाइस देखो, ब्रांड की प्रॉब्लम है, फोन की क्वालिटी प्रॉब्लम है, आप सर्विस सेंटर जाने के बाद में इसका क्या रिपेयर होगा, फ्री में रिपेयर होगा या फिर कोई और भी दिक्कत वगैरह आएगा, वो अभी हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है। वैसे मैं कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इन यूजर को, ताकि हमें जो ना कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी दोस्तों आप चैनल को फॉलो कर, यहाँ पे एंड्रॉइड के अपडेट्स रिगार्डिंग आपको बताते रहते हो। बाकी मोटो का G54 के ऊपर जो लेटेस्ट एंड्रॉइड का अपडेट आ चुका है, उसके बारे में वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन करके मैंने बताया, वो वाला जाकर के वीडियो देख सकते हो। बाकी हाँ, मोटोरोला का और भी कोई डिवाइस, जैसे मेरे पास भी मोटोरोला का 3-4 फोन्स वगैरह अभी तक जो देखो कैमरा का जो पील ऑफ स्क्रीन इश्यूज वगैरह जो नजर नहीं आया, बट हाँ इन यूजर को ये अचानक से आया, जो कि बहुत गंदा बात है। आई एम श्योर कि मोटोरोला का टीम अगर यहां पे वीडियो देख रहे हो, तो आपको जो है इस यूजर को फ्री में इसको रिप्लेस करके देना चाहिए, इसके लिए चार्ज नहीं करना चाहिए। बट हाँ, जो ऊपर का जो कोटिंग स्क्रीन है ना, उसके अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं। कोई बोल सकते हैं उसके ऊपर केमिकल गिर गया होगा, कोई बोल सकते हैं उसके ऊपर लिपस्टिक चला गया होगा, या जैसा कि एप्पल वालों ने रीजन देते रहते हैं, कोई बोलते हैं कि वहां पे जो ना अगर ज्यादा आप यहाँ वहां रफ सरफेस रखते हो वहां पे स्क्रैचेस वगैरह पड़ते। बट हाँ, यहाँ पे जब आप इमेज को देखोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्क्रीन जो है ना डैमेज हो रहा है, ऊपर का जो लेंस कवर का जो रहता है। बट हाँ, अब इसके बारे में देखो अभी ज्यादा कंप्लेंट्स और इश्यू तो आया नहीं है, बट हाँ आप लोगों को थोड़ा सा मैंने सोचा बता दूं, आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो क्या, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम बताते रहते हैं स्मार्टफोन रिगार्डिंग, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे ऐसे कभी वीडियोस वगैरह मिस ना हो। बाकी कोई भी यूजर्स हो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। मोटोरोला का कोई भी एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।